हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चौहान ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में हम लोग भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिक्स, ताकि आपको वो सारे के सारे शेड्यूल्स जो है, अनुसूचियां जो है, वो सारी की सारी आपको मौखिक रट्टा लग जाए। तो आइए जरा बोर्ड पर देखिए। तो पहले हम आपको ये सारा का सारा चिन्ह भी बता दें। तो पहली अनुसूची, फर्स्ट शेड्यूल को अगर आपको सीखना है तो पहले आप एक बार, मैंने सारे के सारे वीडियो में ट्रिक्स बताए हुए हैं, आप उसको भी पीछे से जाकर के देख लें। तो एक के लिए ये सब सीरियल नंबर 1 से 12 चल रहा है और इसी प्रकार से ये अनुसूचियां भी हैं संविधान में। तो मैंने इसको ट्रिक से बता दिया है। तो पहले एक बात बता दूं कि भारतीय संविधान जब लागू हुआ तो शुरू में 8 ही अनुसूचियां थी। बाद में हम लोग ने विभिन्न संशोधनों के द्वारा उसमें 4 और अनुसूचियां जोड़ी। तो आइए अब जरा इनको रटने का पहले प्रयास आपको हम पहले यहां करवाएं। तो नंबर 1, पहली फर्स्ट शेड्यूल देखो, बजरंग बली का झंडा शुरुआत। तो पहली अनुसूची में राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की चर्चा है। तो पहली सूची में राज्य, क्योंकि पहले हम शुरू करते हैं भारत से संघ। भारत एक संघ होगा जिसमें इतने राज्य और इतने, मतलब यूनियन टेरिटरीज का अर्थ है संघ शासित प्रदेश या क्षेत्र, बोल दिए संघ शासित क्षेत्र। चलो आइए अब आगे चलते हैं। नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट है। पहला तो ठीक है, पहले के पीछे मत पढ़ो, 2 पर आओ। 2 मैंने पहले वीडियो में बताया था कि संख्या 2 का अर्थ है बतख, डक, और बतख जो रहती है पानी में, और आज मैंने एक्स्ट्रा जोड़ दिया दाना पानी। तो अनुसूची 2 में तनखा, दाना पानी के लिए भाई पैसा चाहिए। तो अनुसूची 2 में सारे के सारे जो नॉन पॉलिटिकल हेड्स हैं, अब ये नॉन पॉलिटिकल हेड्स कौन है भाई, जो भी पूरे देश को चलाने में किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और न्यूट्रल रहते हैं, उन्हें बोला जाता है या तो इंग्लिश में पर्टिकुलर वर्ड अपॉलिटिकल, या इजी वे में आप बोल दीजिए नॉन पॉलिटिकल। तो इसमें आते हैं भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर्स, देखो देखना है किसी दल का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और न्यूट्रल रहेंगे, चाहे उनके पास बीजेपी शिकायत लेके जाए या कोई भी, वो न्यूट्रल रहेंगे। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और सारे के सारे कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स जो हैं उनके जजेस होंगे, और लोकसभा, राज्यसभा, ये जितने भी सदन है केंद्र में और राज्य में, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों में विधानसभा, ऐसा टाइप का। तो इनके जो हेड्स हैं, जैसे लोकसभा का तो स्पीकर होगा और राज्यसभा का सभापति होगा, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, और वहां लोकसभा में डिप्टी स्पीकर, इनकी तनखा, राष्ट्रपति की तनखा, गवर्नर की तनखा, सीएजी वो भी न्यूट्रल है उसकी तनखा, और जितने भी जजेस हैं उनकी तनखा। तो मैं भी थोड़ी देर में इसको कहानी के द्वारा बताता हूं फटाफट। इसके बाद नंबर 3 पर है शपथ। तो मंत्री और जजेस जो है, जितने भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी जो शपथ होती है ओथ, उसकी चर्चा है। ओथ मींस नंबर 3, ओथ, शपथ। नंबर चार देखो, तो फिर मैं यहां से भी आपको जोड़ता चलू। 3, त्रिशूल, नाश, भगवान। 4, कुर्सी, सत्ता। तो नंबर 4 पर भाई इनको कुर्सी दो, सत्ता दो। राज्यसभा में किस राज्य से कितने प्रतिनिधि को वहां भेजना है, इसकी चर्चा वहां होगी। तो अब आ जाओ नंबर 5। तो नंबर 5 देखो, नंबर 5 पंच, मुक्का, कुक्का जनजाति, कुक्का जनजाति लोगों का विकास, उनके क्षेत्रों का विकास, वरना वो तुमको मारेंगे मुक्का, क्योंकि वो है कुक्का। तो कुक्का जनजाति लोग होते हैं,
तो पांच और छह, छह में तो जानवर ट्राइब, तो पांच और छह में दोनों के दोनों जनजाति क्षेत्र और जनजाति लोगों के विकास डेवलपमेंट मैनेजमेंट की चर्चा है। तो चलो फिर से बता दो, और अभी मैं यहां पर एक चीज और बताता हूं, पहले इतनी बात बता दो। एक पर क्या था, एक पर था बताओ राज्य और संघ शासित क्षेत्र। नंबर दो पर क्या था बताओ, नंबर दो पर पहले तनख्वाह बताइए सर कितना दीजिएगा, सब मैं भी ट्रिक्स पर सेट करता हूं। तो नंबर दो पर जो न्यूट्रल हेड्स हैं भारत में उनकी तनख्वाह और भत्ता, नंबर तीन शपथ, नंबर चार कुर्सी, नंबर पांच और छह जनजाति क्षेत्र और जनजाति लोगों के विकास, छठा में खास करके चार, चार राज्यों के जनजाति लोगों के बारे में चर्चा है, और वो चार राज्य है एटीएम मनी। एटीएम मनी आ जाओ, अब ये एटीएम मनी क्या है, ए का अर्थ है आसाम, टी का अर्थ है त्रिपुरा, एम का अर्थ है मिजोरम, और एक और मनी में जो एम है उसका अर्थ है मेघालय। अभी मैं सबको ट्रिक से बताऊंगा फटाफट, पहले एक बार ये बता दूं कि वहां क्या है, किस सूची में अनुसूची, किस शेड्यूल में, किस अनुसूची में क्या है, पहले वो मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं ट्रिक से सेट करता हूं। तो आ जाओ, अच्छा अब ये नंबर छह और पांच और दो दो फिर क्यों है, पांच में तो पूरे भारत के जनजाति लोग और उनके क्षेत्र, छठा में चार राज्यों के क्षेत्र ट्राइबल्स एरियाज और वहां पर रहने वाले ट्राइबल्स का विकास, और वो एटीएम मनी, ए का अर्थ है आसाम, टी का अर्थ है त्रिपुरा, एम का अर्थ है मिजोरम, और एक और एम का अर्थ है मेघालय। अभी सबको ट्रिक से बड़ी खूबसूरती के साथ रटवाता हूं। नंबर अब आ जाओ सात, सात 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 हमको चलना है, सात सात हमको विकास करना है। तो इसमें जो है पावर्स का डेलीगेशन है, मतलब सर ये नहीं समझ में आया क्या है, शक्तियों का वितरण है। इसमें तीन सूची की चर्चा है, संघीय सूची, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्कुरेंट लिस्ट। कॉन्कुरेंट का अर्थ है समवर्ती सूची। जैसे कि ये डिसाइड किया गया कि भाई जैसे केंद्र वाले जितने भी सर्विसेज हैं वो केंद्र सेंट्रल लिस्ट में जाएगी, अभी अभी बता देते क्या क्या, और जितने भी राज्य से संबंधित राज्य के लोगों के विकास, स्वास्थ्य, पुलिस, मतलब जो ऑल इंडिया लेवल सर्विसेज है उनको रखा गया सेंटर में, राज्य से रिलेटेड बीपीएससी वाले फलाना, जो राज्य से जिनकी नौकरियां निर्धारित होती हैं उनको सबको रखा गया स्टेट लिस्ट में। कहीं कहीं पर कंफ्यूजन ना हो उसको रखा गया दोनों सूची में। मतलब ये सूची क्यों है कि अब जैसे रेलवे है, पोस्टल डिपार्टमेंट है, वो तो पूरे भारत में ट्रेन चलती है, ऐसा थोड़ी कि बिहार से शुरू हुई तो बिहारी में रुक गई, ऐसा ट्रेन कोई नहीं है। सारी ट्रेन जो है, पूरा जो ट्रेन का जो सिस्टम है वो ऑल इंडिया लेवल पर है, इसलिए वो केंद्र में उसको रखा गया कि रेलवे का मैनेजमेंट सर्विस सब कुछ केंद्र सरकार दे, केंद्र वाला। और जैसे पुलिस, हॉस्पिटल, अब अगर हमारे घर में चोरी हुई तो हम दिल्ली में नरेंद्र मोदी के पास थोड़ी आएंगे, तो वो सारी सर्विसेज को रखा गया राज्यों में। तो मैंने मोटा मोटा कह दिया, आईएएस और बीपीएससी सोचेगा तो बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन शिक्षा देखो, सीबीएसई स्कूल, बिहार बोर्ड, तो सीबीएसई को रखा गया केंद्र में और बिहार बोर्ड राज्य सरकार चलाएगी मैनेजमेंट। तो ये पावर, शक्तियों का वितरण, डेलीगेशन किया गया। तो इसमें तीन लिस्ट है ताकि हम लोग आपस में नहीं झगड़े, पहले से क्लैरिटी हो जाए कि ये सब्जेक्ट का, ये जो विषय है सब्जेक्ट है, ये केंद्र का मैटर है या स्टेट का मैटर है या किसका है। तो अब आ जाओ नंबर आठ। आठ तो मैंने कहा था महिला, महिला शक्ति, मातृभूमि, मां, महिला, तो इसमें मातृभाषा है शुरू में। तो आठवीं सूची, तो अभी तक बता दो फटाफट, पहले में क्या था, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, नंबर दो में पहले पैसा दो तनखा, नंबर तीन में भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल की कसम खाता हूं कि निष्ठा से सेवा करूंगा, सब बताता हूं अभी, नंबर चार कुर्सी, नंबर पांच और छह में ट्राइबल क्षेत्र, और नंबर छह में तो खास ट्राइबल
चार चार राज्यों के खास ट्राइबल का विकास। नंबर सात, सबको साथ साथ लेकर चलना है ताकि भारत के और बिहार के सब जगह के लोग, राज्य और केंद्र, सब पूरा भारत खुश रहे। साथ साथ लेके चलना है, शक्तियां का वितरण कर दो ताकि किसी में झगड़ा ना हो। तीन भाइयों में शक्तियां बांट दो ताकि इनमें झगड़ा ना हो। एक माँ के तीन लाभ। अब आ जाओ आगे चलते हैं, इसके बाद आ जाओ नंबर आठ में, तो मातृभाषा। जब शुरू में संविधान बना तो इसमें 14 भाषा थी, तो मैंने मातृभाषा इसलिए कहा ताकि वो याद रहे मां से, महिला से, तो इसमें लैंग्वेजेस की चर्चा है। तो शुरू में ये 14 थी, तो बाद में इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई, उसमें एक अपनी मैथिली भी थी, कोंकणी, संथाली और भी, ऐसे करके 8 जोड़े गए, तो अब ये कुल मिलाकर के 22 है। इसके बाद आप आ जाओ नंबर 9, तो गांधी जी। और गांधी जी जन्म भर किसानों के लिए, गरीबों के लिए लड़ते रहे, और किसान उनके पास जाते थे कि माई बाप, हम लोग का जमीन छीन लिया गया है, जमींदार सब हमको मतलब बंधुआ मजदूर बना दिया। तो गांधी जी ने कहा रुको, मैं तुम्हारा कल्याण करता हूं, चलो बिहार, वहीं से आंदोलन शुरू करता हूं। याद करो गांधी जी चंपारण। तो इसलिए गांधी जी जन्म भर जमीन के लिए, मुक्ति के लिए लड़ते रहे। तो जैसे ही जवाहरलाल नेहरू बने पीएम, उन्होंने, वो गांधी जी से इंस्पायर्ड थे सब कोई, तो गांधी जी ने उनको सजेशन जरूर दिया होगा कि भाई जमींदारी सिस्टम खत्म करो, अगर खत्म नहीं करोगे तो क्या होगा कि जमीन के लिए स्वतंत्र हो गए, अब तो हम लोग अंग्रेज के गुलाम है नहीं, स्वतंत्र हो गए, रोज कोर्ट में मारा मारी होगा जमीन के लिए अब, और इस प्रकार से भारत में अशांति फैलेगी और हम लोग ठीक से शासन नहीं कर पाएंगे, लोगों को खुशियां नहीं दे पाएंगे, तो फिर क्या फायदा हुआ आजाद के। तो इसीलिए पहला संशोधन लैंड रिफॉर्म्स, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट, पहला संशोधन लाया गया। फिर आइए नंबर आपका 10, बस बहुत हो गया, अगर गलत काम करोगे तो ठुकाई होगी। तो 10 में जो है वो जो है आपका नंबर 10 पर आ जाओ, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ का अर्थ है दल बदल कानून। तो ये है नंबर 10 में, इसके सारे नियम कायदे कानून की चर्चा। नंबर 11 पर आ जाओ, अब भाई हम लोग ने इतना विकास कर लिया तो अब बताओ, हम लोग पहले केंद्र फिर राज, अब गांव पर आ जाओ, गांव, हमें गांव का भी विकास करना है, तो सर पंचायती राज ले आइए। तो 11 पर है पंचायती राज और उसकी व्यवस्था की चर्चा। और नंबर 12 जो सबसे लास्ट, और जो सबसे लास्ट में बनता है वो सबसे युवा होता है, क्योंकि बाकी सब ऐसा सोचो ना, सारे व्यक्ति तो उम्र दराज हो गए, सबसे लास्ट में बना नंबर 12 जो कि म्युनिसिपैलिटी मतलब नगर निकाय से संबंधित, कि क्या उनके अधिकार है, क्या क्षेत्र है, कैसे विकास करना है, तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी की चर्चा है नंबर 12 में। और मैंने युवा नंबर 12 युवा, तो आओ अब जरा इसे मैं पूरी कहानी में सेट कर दूं। तो नंबर 11 12 हमेशा याद रखना, क्योंकि 11 पंचायती राज से स्वर्ण काल भारत में शुरू होता है, तो इसलिए पंचायती राज से विश्लेषण, जो भी उसमें डाटाज है उसको कलेक्ट करो कहीं से भी, जहां से मिले, और अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो कुछ दिन रुको, मैं इस पर भी बनाऊंगा वीडियो, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है, ये जरूर आता है इस पर क्वेश्चन, और हमें कॉम्पिटिटर होने के कॉम्पिटिशन में बैठना है तो हमें इसके बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। चलो आओ अब सबको जरा रटवा दूं मौखिक एक कहानी, सुपर स्टोरी। एक लड़का है 25 साल का नौजवान, वो नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, लेकिन थोड़ा सा लालची है लड़का, और उस लालच ने उसे थोड़ा सा अधर्मी भी बना दिया है। तो वो एक जगह नौकरी की तलाश में गया, तो सामने से नौकरी भाई जो आदमी बैठे होंगे अधिकारी, उन्होंने कहा बोलो सर, ये मेरा आवेदन है नौकरी के लिए। ठीक, वेरी गुड सर, आप एक काम करेंगे सर, हमको पहले पैसा और तनख्वाह बताइएगा सर, कितना मिलेगा तनख्वाह। सब अधिकारी जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसका, वो तो इंटरव्यू में नौकरी के लिए गया है, बताओ
वहीं पर बैठ करके गधा बोल रहा है कि हम सर जरूर आपका नौकरी ज्वाइन कर लेंगे, पहले जरा तनख्वाह बता दीजिए कितना दीजिएगा। अब जो बोर्ड ऑफ पैनल जो पूरा बैठा हुआ है पैनल बोर्ड वहां पर सब उसको ऊपर से नीचे देखता है, हैं कैसा है रे, पहले तुम तनख्वाही की बात करते हो। अब वो बोलता है तो ये लोग जजेस बोलते हैं आपस में, लग रहा है बहुत लालची है और अधर्मी भी लगता है। क्या नाम है? एक पात्र गढ़ रहा हूं पकड़ करके नहीं बैठना। सर हमारा नाम है मंतोष पासवान, एक नाम एक कैरेक्टर, ऐसे ही अपने मन से मैंने बोल दिया मंतोष पासवान। चलो वेरी गुड, किसके तुम उपासक हो? सर हम तो सर त्रिपुरारी के उपासक हैं, भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त हैं और सर हम बाबा धाम जाते रहते हैं। अच्छा अच्छा, भोलेनाथ के भक्त हो, ठीक, और तुम्हारी काबिलियत पर हमें कोई शक नहीं है लेकिन मनसा पर शक है। नहीं सर मैं बड़ी निष्ठा के साथ, कितना सर आप सैलरी दे रहे हैं? 1,00,000 रुपया। सर हमको ले लीजिए सर, हम 1,00,000 रुपया पर मंथ पर जरूर काम करेंगे। रुको रुको, क्या बोलते हो आप लोग? सब आपस में आंख आंख में बात करते हैं। दे दो नौकरी, टैलेंटेड बच्चा है लेकिन जरा इसको शपथ दिलो। आओ भोलेनाथ के त्रिशूल, क्योंकि तुमने कहा था ना कि हम भोलेनाथ के उपासक हैं, तो भोलेनाथ के त्रिशूल पर हाथ रख करके बोलो, जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद हमारे साथ साथ बोलो, मैं अपना नाम बताओ मंतोष पासवान, ये शपथ लेता हूं कि इस नौकरी पर जब मुझे कुर्सी मिलेगी सत्ता मिलेगी तो मैं इसकी इज्जत रखूंगा, और आज से मुझे प्रशासक बना दिया गया है तो मैं सारे क्षेत्रों का ट्राइबल्स का विकास करूंगा और सबको साथ साथ लेकर के चलूंगा। पक्का? यस सर पक्का। चलो जाओ कल से आ जाना और अपना सीट पकड़ना, कल से नौकरी पर आओ और उस सीट पर बैठो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो पहले बताओ, पहले पैसा बताइए। ठीक, अब शपथ लेता हूं कि अच्छे से काम करूंगा क्योंकि तनख्वाह अच्छी मिल रही है। अब सीट उसको मिलेगा, शपथ के बाद तो सीट ग्रहण, सीट पर बैठो। और जब सीट पर बैठा ना तो उसके अंदर लालच जाग गया, क्योंकि रोज वो सैंक्शन करता था करोड़ करोड़ रुपया। तो उसने एक दिन ऐसा सोचा कि मैं 5 और 6 ये सारे के सारे राज्यों का जो ट्राइबल्स है, जनजाति लोग हैं और वहां के जो क्षेत्र का विकास करूंगा, लेकिन इसके पहले मैं सबको, क्योंकि ट्राइबल तो विदेश अलग अलग भाषा बोलते हैं अलग अलग, पहले मैं इनको हिंदी सिखा दूं, नंबर 8 हिंदी भाषा सब मैं कॉमन सिखा दूं ताकि ये मेरी बात भी सुन सके समझ सके और मेरे कहे अनुसार पैसा भी ला सके। तो नंबर 8 अब मैं सबको साथ साथ मिलाकर चलूंगा, नंबर 7 टीम लिस्ट सबको साथ मिलाकर चलूंगा। अब इसने खूब पैसा कमाया और इसको जानते हैं ये भोलेनाथ का तो बहुत बड़ा पुजारी था भक्त। तो इसने देखो अब नंबर 6 पर 4 राज्यों की चर्चा थी ना, एटीएम मनी, पहले ए करते आसाम, टी करते त्रिपुरा, त्रिपुरारी भोलेनाथ का उपनाम, मिजोरम, राम तो मिजोरम में भी है, मिजोरम और एम से मेघालय। अब देखो वो क्या सोचने लगा, वो ख्याली पुलाव बनाने लगा, भोलेनाथ की हम पर कितनी कृपा है, वो तो बोल रहे हैं लूट सकते हो तो लूट लो, पहले त्रिपुरा को लूटो, भोलेनाथ कुछ नहीं बोलेंगे, उसके बाद राम मिजोरम को भी लूट लो। ये लालची आदमी, अब इसको सजा देंगे हम लोग। तो बताओ अब यहां पर मेरा ट्रिक सुनो, धरती पर जब भोलेनाथ और प्रभु राम जब आए तो ये समा देख करके आसमान से मेघ बरसने लगा और उनका दोनों का मिलन का स्वागत करने लगा। अब आ जाओ तो नंबर हम लोग ने 5, 6, 7, 8 मातृभाषा यहां तक कर लिया। अब नंबर 9 पर आओ। अब जब वो सब मतलब खूब घूस इकट्ठा करके, और बताओ जो जो पैसा सैंक्शन होता था ट्राइबल क्षेत्र के कल्याण के लिए उसको भी अपने पास जब रखने लगा तो उसका भांडा फूट गया, उस पर कार्यवाही, लोगों ने कार्यवाही की मांग की। तो ये फैसला किया गया तो गांधी जी से कहा गया
कि भाई आप फैसला कीजिए, इस कहानी में गांधी जी को लाओ। तो गांधी जी ने कहा इधर आओ, तुमने सारी जमीन को हथियाया है, तुमने नंबर 9 याद करो गांधी जी लैंड रिफॉर्म्स, तुमने सारे ट्राइबल्स की जमीनों को हथियाया है, वहां अपना विकास किया है, उनके विकास के लिए भेजा था, तुमने अपना विकास विकास कर लिया, ठीक, तुमको क्या सजा दी जाए। तो सब लोगों ने कहा, पंचों ने कहा, वहां के गांव में, क्योंकि वहां की जमीन, गांव की जमीन ट्राइबल क्षेत्रों की हड़प ली, तो वहां के पंचों ने कहा कि गांधी जी हम लोग पर इसकी ठुकाई का बंदोबस्त छोड़ दीजिए। तो सारे के सारे पंच इकट्ठा हो गए, तो पंचों ने कहा कि तुम्हारी सजा यह है कि तुमको नाली साफ करनी है, नगर पालिका नाली नाला साफ करो, तुम्हारी यही सजा है। तो नंबर 8 वहां से, क्योंकि उसके पहले वाला मैंने काफी बार बोल दिया, नंबर 8 मातृभाषा, नंबर 9 गांधी जी जमीन लैंड रिफॉर्म्स, नंबर 10 दल बदल, पैसा आ गया तो घमंड आ गया, और इसने जमीन को हत्या करके, जब सबने पूछा कि तुमने जमीन हथियाई है, नहीं सर हम नहीं, हम तो निर्दोष है, देखो पाला बदल लिया, दल बदल, फलाना से फलाना पार्टी में चला गया, पैसा आ गया, अब सजा दो इसको। तो गांव के मुखिया लोग आए, पंचायत बैठी, और इसको सजा ये दी गई कि ये पूरा का पूरा नगर का नाली और नाला को साफ करेगा। तो ये कहानी यहां पर समाप्त होती है। तो इसमें एक दो पॉइंट और है, जैसे लैंड रिफॉर्म्स जो नंबर 9 में था, ये आपका आया फर्स्ट अमेंडमेंट 1951, याद है 1950 में लागू हुआ संविधान, और एंटी डिफेक्शन लॉ 52 अमेंडमेंट का अर्थ है संशोधन, 1985 में आया। ये एक्स्ट्रा बात बता देता हूं, कहानी तो समाप्त होगी। पंचायती राज 73 अमेंडमेंट 1993, और म्युनिसिपल वाला, म्युनिसिपैलिटी से संबंधित जो नंबर 12 था सबसे युवा, 74 अमेंडमेंट 1993। तो अब इसको हम एक कहानी के द्वारा मैं आपको जितना भी मैंने सिखाया उसको प्रस्तुत कर देता हूं।